हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आज रेनू मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग चार पाठ तीन तृतीय पाठ समयस्य सदुपयोग है। समय का सदुपयोग, हमने समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, यूज ऑफ टाइम जानते हैं इसके बारे में कि हमें समय का सदुपयोग कैसे करना है। देखो यहाँ मम्मी बैठी हुई है और यहाँ बच्चा बैठा हुआ और ये क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। विद्यालयेषु ग्रीष्मावकाश, गांव विद्यालयों में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो गई थी। प्रसन्ना मणिकांत विद्यालयात गृहम आगत, बहुत खुश होता हुआ मणिकांत जिसका नाम है इस बच्चे का, वो विद्यालय से घर आया। जब गर्मी की छुट्टियां होती है तो आप सबको भी बहुत अच्छा लगता होगा, सभी को अच्छा लगता है, हमें भी जब छुट्टियां होती है बहुत अच्छा लगता है, आपको तो बहुत ही अच्छा लगता होगा। घर आया से मात्रा में कथित थी, वो माँ से कहता है अपनी, अम्ब माँ अधुना पठनाय किमपि न कथयम्, आज मुझे पढ़ने के लिए कुछ भी मत कहना। अम्ब इच्छानुसारम चलचित्रम द्रक्ष्यामि, मैं अपनी इच्छा के अनुसार टीवी देखूंगा, वीडियो क्रीडां क्रीडिष्यामि और मैं वीडियो गेम खेलूंगा, अधिकाधिक शयनम च करिष्यामि और बहुत ज्यादा सोऊंगा। ऐसा आप भी बोलते हो जब छुट्टी होती है तो, आज हमसे कुछ मत कहना, आज हम छुट्टी है। जैसे कि आप कितना काम करके विद्यालय से आते हो, लेकिन ऐसा बोलते ही हैं सभी लोग, सभी बच्चे कहते हैं। जननी सर्वेश्वर की माँ सब सुनती है, अत प्रसन्न मणिकांत स्वेच्छया सर्व कर्तुम आरंभ, इस प्रकार मणिकांत ने अपनी इच्छा से सब कुछ करना शुरू कर दिया। सप्ताह नैव मणिकांत से स्वेच्छया व्यवहारेण सचिंतति भवति, सप्ताह के अंत में मणिकांत के इस व्यवहार से अम्मा बड़ी चिंता करती है कि ये तो जब मर्जी सोकर उठता है, जब मर्जी टीवी देखने लगता है, उन्हें बड़ी चिंता हुई। अयम बालय चतुर्थ कक्षायां पठति, ये बच्चा चौथी कक्षा में पढ़ता है। अस्य भविष्य निर्माणस्य समय अस्ति, ये तो इसके भविष्य को बनाने का समय है, इसका तो ये भविष्य को अच्छा बनाने का समय है। अयम समय व्यर्थम यापयति, ये अपने समय को व्यर्थ गंवा रहा है। यदि किमपि कथयामि तर्हि रुष्टः भवति, यदि मैं कुछ भी कहूंगी तो ये नाराज हो जाता है। मम वचनानि अपि न श्रुणोति, मेरी बात भी नहीं सुनता है। दूरभाषेण मित्रैः सह बहुवालपति, किम बहुना दूरस्ततः व्यर्थम अटति, ये फोन पर अपने मित्रों के साथ बहुत बात करता है और किम बहुना दूरस्ततः व्यर्थम अटति, और ये क्या करता है कि व्यर्थ ही बेकार में ही इधर से उधर भटकता रहता है। अद्य पितामहेन सह मणिकांतस्य पितामही अपि ग्रामात् आगता, अब दादाजी के साथ मणिकांत की दादी भी गांव से आ गई। सा मणिकांतस्य दिनचर्या अपश्यत, उन्होंने मणिकांत की दिनचर्या देखी कि ये दिन भर क्या करता है। स्वपौत्रस्य दिनचर्या सा तस्य पितामहाय निवेदयत, उन्होंने अपने पोते की इस दिनचर्या को कि ये दिन भर क्या करता है उसके दादा को बताया। एकस्मिन दिने पितामह स्नेहेन मणिकांतम कथयत, एक दिन दादाजी ने मणिकांत को बुलाकर बहुत प्यार से बोला, वत्स अहम जानामि यत त्वम योग्य छात्र असि, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम बहुत गुणी छात्र हो, होनहार छात्र हो, परंतु अहम पश्यामि, पर मैं देख रहा हूँ यत तव माता यस्य कारण कार्याय त्वम कथयति, कि तुम्हारी माँ जिस भी काम को तुम्हें कहती है त्वम न श्रुणोषि, तुम सुन नहीं रहे हो, त्वम सर्वदा कथयसि, तुम हमेशा कहते हो, यत कि स्वकरिष्यामि कल करूंगा, पश्चात वा करिष्यामि बाद में करूंगा, अद्य न करिष्यामि आज नहीं करूंगा, किम एतम एतत उचितम, क्या ये उचित है। मणिकांत तुष्णी तिष्ठति, मणिकांत चुप हो जाता है। पितामह पुनः कथयति, दादाजी फिर से कहते हैं, भो सुत अरे बेटा यह प्रमादेन समय यापयति, जो अपना जो समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, समय अनुसार कार्य न करते, समय के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, और जो कहते हैं श्वे करिष्यामि कल करूंगा, परश्वे करिष्यामि परसों करूंगा, पश्चात करिष्यामि बाद में करूंगा, सह कदापि सफल न भवति, वो कभी भी सफल नहीं होते हैं। मणिकांत कथयति, मणिकांत कहता है, भवान सत्यम कथयति, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पितामह पुनः कथयति, दादाजी फिर से कहते हैं, वत्स जीवने समय स्वल्प अस्ति,
जीवन में समय बहुत कम होता है, कर्तव्यानि च बहूनि सन्ति, और कार्य करने के लिए बहुत सारे होते हैं। यह समयस्य सदुपयोगम न करोति स मूर्खैव, जो समय का सदुपयोग नहीं करता है वह मूर्ख होता है। यह समयस्य महत्वम जानाति, जो समय के महत्व को जानते हैं स एव बुद्धिमान, वो ही बुद्धिमान है। मणिकांत पितामह पृच्छति, मणिकांत दादाजी से पूछता है, तात अवकाशस्य सदुपयोगम कथम करवाणि, हमें छुट्टी का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। पितामह वदति, दादाजी बोलते हैं, अवकाशस्य सदुपयोगम स्व रुचे अनुसारम कुरु, समय का सदुपयोग अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तानि कार्याणि कुरु ये मनोरंजनेन सह ज्ञानस्य वृद्धि अपि भवेत, उन कामों को करो जो मनोरंजन के साथ, जिससे कि आपका ज्ञान भी बढ़े। उन कार्यों को करना चाहिए जो मनोरंजन के साथ आपका ज्ञान भी बढ़े। वत्स अस्माकं देशे ये महंतः पुरुषा भवन ते एकमपि क्षणं व्यर्थं न यापयन्ति। दादाजी ने क्या कहा कि बेटा, हमारे देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपना बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं गवाया। और महापुरुषा कथयन्ति, महापुरुष कहते हैं, यह समय व्यर्थम यापति, जो समय व्यर्थ गवाता है सह मूल्यवंतम अभी जीवनम विनाशयति, वो अपने इस मूल्यवान, इस बहुमूल्य जीवन का भी विनाश कर लेता है। क्योंकि समय को जो नहीं समझता, जो समय के महत्व को नहीं जानता, वो अपना जीवन, जो इतना जीवन मुश्किल से हमें मिला है, इसको भी खराब कर लेता है। केवल ये कहकर कि हम ये कार्य कल करेंगे, हम ये कार्य परसों करेंगे, अब थोड़ी देर बाद कर लेंगे। क्योंकि कबीरदास जी ने बच्चों यही बात कही है, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। हमें कोई भी काम कल के ऊपर नहीं डालना है, तुरंत कर डालना है, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है और हमें ये जीवन भी बहुत मुश्किल से मिला है, तो हमें समय का सदुपयोग करना है, इसको व्यर्थ नहीं गवाना है। जैसे कि मणिकांत को समझ में आया कि दादाजी ने बिल्कुल सही बात कही है, हमारे महापुरुषों ने भी अपने जीवन को मूल्यवान जीवन जो मिला था उसमें एक भी पल व्यर्थ नहीं गवाया, और वो उस कार्य को करते रहे जो उनके लिए अच्छा रहा, ज्ञानवर्धक भी रहा। अपनी रुचि के अनुसार उन्होंने बताया मणिकांत को कि रुचि के अनुसार कार्य करो, और जिससे कि आपका ज्ञान भी बढ़े। तो बच्चों, आपने जाना कि हमें समय का सदुपयोग कैसे करना है। पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ हैं, जानते हैं उनके बारे में। विद्यालयेषु, विद्यालयों में, ग्रीष्मावकाश है गर्मी का अवकाश, अम्ब माता, अधुना अब, किमपि कुछ भी, कथनीयम कहना चाहिए, द्रक्ष्यामि माने देखूंगा, क्रीडिष्यामि माने खेलूंगा, चुनौति सुनती है, कर्तुम माने करना, आरभत आरंभ किया, सप्ताहेनैव एक सप्ताह में, स्वेच्छा व्यवहारेण स्वेच्छा व्यवहार से अपनी इच्छा से, यापयति माने बिताता है, आलपति माने बात करता है, अटति घूमता है, आगता आ गई, निवेद्यत निवेदन किया, तुष्णिम मौन, प्रमोदेन प्रमादेन आलस्य से, परश्व है परसों, स्वल्प है बहुत कम, और बहुनी माने बहुत। तो पाठ में आए हुए बच्चों, हमने कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जाना। अब हमारे ये अभ्यास कार्य है, पहला हमारा अभ्यास कार्य है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। उत्तर हम हिंदी में भी दे सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अधुनाम अभी अधिकाधिकम शयनम करिष्यामि इति कः कथयति, मैं आज से बहुत ज्यादा से ज्यादा सोऊंगा, किसने कहा ये? मणिकांत, मणिकांत ने कहा ना। मणिकांत है कस्यां कक्षायां पठति, मणिकांत किस कक्षा में पढ़ता है? चतुर्थ कक्षायां, चौथी कक्षा में पढ़ता था मानी मणिकांत। तीसरा है, मणिकांत से दिनचर्या का पश्चात, मणिकांत की दिनचर्या को किसने देखा? पितामही, पितामही ने देखा, दादी ने देखा। जीवने कियत समय, जीवन में कितना समय? स्वल्प, जीवन में बहुत कम समय होता है। समय से महत्व क्या जानती, समय के महत्व को कौन जानता है? महापुरुषा समय से महत्व जानती।
और जो यो न जानाती, जो नहीं जानते हैं वो अपना बहुमूल्य जीवन भी बर्बाद कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर टू बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अहम किमपि कथयामि तर्हि सः रुष्टः भवति। नेक्स्ट अम्ब अधुना पठनाय किमपि न कथनीयम्। प्रसन्नः मणिकान्तः स्वेच्छया सर्व कर्तुम् आरभत। किं बहुना दूरस्ततः व्यर्थम् अटति। यः प्रमादेन जीवनम् यापयति। इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए बच्चों कुछ रिक्त स्थानों को भरा। एक्सरसाइज नंबर थ्री हमारी, विकल्प दिए हुए बच्चों उनको सही विकल्प को चुनकर हमें यहाँ पर भरना है। पहला है मणिकांत इच्छा अनुसार द्रक्ष्यामि। मणिकांत इच्छा अनुसार द्रक्ष्यामि चलचित्रम संगीत या नृत्य। चलचित्रम। जीवने समय अस्ति स्वल्प या अत्यधिकम या अति अल्प स्वल्प। तीसरा है अवकाश से सदुपयोगम डैश अनुसारम कुरु। माता रुचे या मित्र रुचे या स्वरुचे। स्वरुचे दादाजी ने ऐसा ही बोला कि अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना है। एक्सरसाइज नंबर फोर है बच्चों, हिंदी में अनुवाद करना है। कुछ संस्कृत के वाक्य दिए हुए हैं उनका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। पहला है अधिकाधिकम शयनम न करिष्यामि। अधिक से अधिक सोऊंगा। किसने बोला ऐसा? मणिकांत ने। अयम समयम व्यर्थम याप्ति। ये समय व्यर्थ बिताता है। माँ ने बोला ना ऐसा कि तो समय व्यर्थ बिताता है। किम बहुना इतस्ततः व्यर्थम याप्ति। ये बिना वजह इधर उधर घूमता है। अद्य न करिष्यामि आज नहीं करूंगा। आज नहीं करूंगा। आज नहीं करूंगा। भवान सत्यम कथयति। आप सही कहते हो। आप ठीक कहते हो। तो इस प्रकार बच्चों हमने कुछ वाक्यों का हिंदी अनुवाद कर लिया। नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज है संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है ग्रीष्मकाल की छुट्टियां हो गई। ग्रीष्मावकाश। वह नानी के घर गया। सह नानी मातुमही। गृहम अगच्छत। मैं वीडियो गेम खेलूंगा। अहम वीडियो क्रीडम क्रीडिष्यामि। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं। अस्माकं देशे अनेका महापुरुषा अभवन। एक्सरसाइज नंबर सिक्स से बच्चों रेखांकित पदों को चुनकर प्रश्न निर्माण करना है। जो इसमें अंडरलाइन वर्ड है उनसे हमें प्रश्न बनाना है। जैसे पहला है मणिकांत है मातरम कथयति। मणिकांत माँ को कहता है तो प्रश्न बनाएगा कौन माँ को कहता है। कौन? तो कह मातरम कथयति। अस्य भविष्यस्य निर्माणस्य समय अस्ति। इसके भविष्य निर्माण का समय किसके? मणिकांतस्य। अस्य भविष्य निर्माणस्य समय अस्ति। कस्य? कस्य भविष्य निर्माणस्य समय अस्ति। दूरभाषेण मित्रैः सह बहु आलपति। दूरभाषी यानी कि फोन से मित्रों के साथ बहुत बात करता है। फोन पर किसके साथ? तो दूरभाषेण कई सह किसके साथ? किसके साथ? मूल्यवंतम जीवनम विनाशति। मूल्यवान जीवन का किसका? कथम जीवनम विनाशयति। तो ये हमने प्रश्न बनाए इसके। नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज है बच्चों, ये जो कोष्टक में दिए हुए शब्द है उसमें उचित विभक्ति चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति आएगी। जैसे राकेश है
विद्यालयस्य, यहाँ आएगा विद्यालय, पंचमी विभक्ति आएगी क्योंकि विद्यालय से घर आया था वो पंचमी विभक्ति। मम मातामही डैश आगता गांव से, मम मातामही ग्रामात गांव से आ गई। जननी पुत्रस्य व्यवहार, व्यवहारेण व्यवहारेण तृतीय विभक्ति से चिंतिता भवती। नेक्स्ट है क डैश समयम्याप्ति, कौन समय किससे समय बिताता है, प्रमाद प्रमादेन, क प्रमादेन समयम याप्यति। तो हमने जो कोष्टक में दिए हुए शब्द है इनकी उचित विभक्ति लगाकर यहाँ पर रिक्त स्थानों में भरा है। नेक्स्ट बच्चों हमारी एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों का जैसा निर्देश दिया गया है वैसा ही हमें परिवर्तन करना है। जैसे निम्नलिखित पहला है मूर्खा व्यर्थम अटंती, तो हमें इन्होंने बोला है कि ये एक वचन में बनाना है, तो हमें बनाना है मूर्ख व्यर्थम अटंती, ठीक है। अब है अहम समयस्य महत्वम जानामि, मैं समय के महत्व को जानता हूं। अब हमें ये मध्यम पुरुष में बनाना है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है अहम में होता है त्वम, त्वम समयस्य महत्वम जानासि, सह समयस्य सदुपयोगम करोति, इसको बहुवचन में बनाना है हमें, तो ते समयस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति, बहुवचन में बनाना है हमें इसलिए कुर्वन्ति। त्वम अवकाशस्य सदुपयोगम स्वेच्छया कुरु, इसको प्रथम पुरुष में बनाना है, तो सह अवकाशस्य, अवकाशस्य सदुपयोगम स्वेच्छया, स्वेच्छया करोति। अब अस्माकम देशे एक महापुरुष अभवत, इसको बहुवचन में बनाना है, अस्माकम देशे अनेका महापुरुष अभवन, अनेका महापुरुष अभवन क्योंकि हमने इसको बहुवचन में बनाया है। नेक्स्ट है बच्चों एक्टिविटी कार्य है, इसमें आपको समय का उपयोग के विषय में पांच वाक्य लिखने हैं कि आप समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहते हैं, उस विषय में पांच वाक्य, चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं और चाहे तो संस्कृत में भी लिख सकते हैं। अपनी उत्तर पुस्तिका में आप समय का सदुपयोग करेंगे, ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको करके दिखानी है अपने टीचर को। अब बच्चों अपना ध्यान रखना, हम फिर आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।